तो ये है रविदास पार्क बनारस का। यहाँ पे जो है पार्किंग चार्ज आपका 20 रुपया है अगर 2 व्हीलर है, और अगर 4 व्हीलर है तो 50, और जो एंट्री फीस है वो 20 रुपीज़ है वयस्कों के लिए, और बच्चों के लिए 15 रुपये। वैसे अगर पार्क हम देख रहे हैं तो पार्क काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी वेल मेंटेन किया गया है। सामने रविदास जी की मूर्ति लगी हुई है और शाम को 6 बजे इनकी आरती होती है। द मेन हब स्पॉट इज़ ऑल अबाउट दैट, ये कपल्स के लिए है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे लोग आते हैं, मैं फैमिलीज़ भी आते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए। तो संडे है तो आपको फैमिलीज़ भी दिख जाएंगी, काफ़ी अच्छा है, साफ सुथरा। ये पूरा पार्क मतलब काफ़ी अच्छे से मेंटेन इन्होंने कर रखा है इसका। आपको जितने भी पार्क दिखेंगे उनसे भी अच्छे हैं, और ये थोड़े से इसमें वो है क्या नाम है फाउंटेन, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है। है काफ़ी अच्छा। जब से यहाँ पे एंट्री फीस लगने लगी है तब से इसका और अच्छा हो गया है, क्योंकि जब एंट्री फीस नहीं लगती थी तो लोग इसको घर बना लिए थे, तो अब लोग कम आते हैं तो गंदगी भी कम होती है, अच्छा भी लगता है। कितना सही है ये, चारों तरफ इसमें देखिए लोग भी कम दिख रहे हैं, चिड़ियाँ भी काफ़ी दिख रही हैं, चिचिंग चिचिंग, और पीछे में जाना था गंगा जी दिखाई दे रही है। क्या क्या हम लोग उधर जा सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। है तो काफ़ी बढ़िया, ये पूरा पार्क ऐसे फैला हुआ है। ज़्यादा बड़े में तो मतलब है मतलब, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े में नहीं है, लेकिन है जितना भी है उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। इसे खूबसूरती का अंदाज़ा आप यही लगा सकते हैं कि हर जगह आपको ग्रीनरी वेल मेंटेन, ग्रास को एकदम क्लीन करके रखा गया है, कहीं भी कोई गंदगी नहीं दिख रही है। एक यहाँ पे किसी ने एक बॉटल फेंक दी है स्प्राइट की, रबिश पास है। ये अलकनंदा है, ये इसका किराया है 900 रुपये, और ये पूरा आपको बनारस के गंगा जी के द्वार दर्शन करा के दिखाते हुए आगे निकल जाएगी। ये पीछे किस तरफ से जाए मुझे पता करना होगा कि इस तरफ हम कैसे निकल सकते हैं। उनका एरिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखने में काफ़ी सुंदर है, बस पता करना होगा कैसे जा सकते हैं उधर। झाड़ी में बच के रहना है क्योंकि कोई ना कोई बैठा रहता है वहाँ पे, सामने भी कोई बैठा ही है। मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। उस तक जरूर जाना चाहिए, बस पता करने कैसे जाऊँ मैं उधर, मैं उधर चला जाऊँ थोड़ा सा टहल लूँ। हर जगह कपल्स ही कपल्स बैठे हैं, ये वीकेंड है तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे छोटे बच्चे लोगों का झूला वूला भी लगा है झूलने के लिए, इसी का 20 रुपये एंट्री फीस है। नॉट वर्थ इट फॉर 20 रुपीज़। कम से कम उधर जाने दे होते यहाँ एक हिसाब से तो भी थोड़ा वर्थ लगता, पता नहीं कैसे घूम के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या है कैसे, उतना ज़्यादा मज़ा तो नहीं आएंगे। नेचर का काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, बस ये है कि
और कुछ नहीं है, बस यही पार्क है और कुछ है नहीं एंटरटेनमेंट के लिए कि जाते झूले वूले लगाएंगे, थोड़े एक दो झूले हैं बस और कुछ नहीं है। ये भी फुहारा भी नहीं चल रहा, सूख गया है। बस आसमान बढ़िया है, नीला है और खूबसूरती है यहाँ से नीचे से ऊपर तक। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर सपोर्ट, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।